वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को. आप सभी का अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आपके सामने क्लास नंबर 3 लेके आई हूँ. क्लास नंबर 3 एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए आज क्लास नंबर 3 है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने वाले आज के हम टॉपिक में. अगर आप लोगों ने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 नहीं देखे, इनइक्वालिटी पे करवाए गए थे, वो भी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की आती थी. अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा. अगला टॉपिक हम लेके आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर की आएगी. चाहे आपका एग्जाम एसबीआई क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो बैंकिंग का, कोई भी बैंकिंग एग्जाम होगा तो आप सभी को पता, अगर आप देते हैं तो 5 मार्क्स की आती है. अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो शायद आप सभी ने बचपन से पढ़ी होगी. क्लास 4th 5th से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं. ax² + bx + c क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. ये सभी को पता है, ये सभी को पता है कि जिसकी पावर 2 हो जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. लेकिन फिर भी हमें पढ़नी क्यों पड़ती है? क्योंकि बैंकिंग में हमें क्या चाहिए? कम से कम टाइम में सवाल सॉल्व होना चाहिए. तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 5 जो क्वेश्चन आते हैं उन 5 क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट मैक्सिमम है इसके अंदर अंदर आप कर लोगे. 2 से 3 मिनट तो मैक्सिमम है, इससे अंदर अंदर आप कर लोगे इन 5 सवालों को. अब देखते हैं ट्रिक क्या है. ठीक है, पहले आप ये समझिएगा, अगर कोई भी इक्वेशन किसी फॉर्म में आए, मान लीजिए मैंने इक्वेशन दे दिए 3x² + 2 + 5x. अगर मैंने आपको सामने ये इक्वेशन दे दी, आप लोग बोलोगे बिल्कुल सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है. पर नहीं, मैं क्या बोलूंगी, ये हमारे वाले फॉर्मेट में नहीं है. ये हमारे फॉर्मेट में नहीं है. हमारा फॉर्मेट क्या है? पहले x² की पावर आनी चाहिए, 4x² बिल्कुल सही है. उसके बाद पावर x आनी चाहिए, तो 5x उसके बाद आना चाहिए, फिर प्लस का 2 आना चाहिए. हमारा सही फॉर्मेट ये है, हमेशा याद रखना. जब भी आपके सामने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले उसका फॉर्मेट देखिए. आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में सवाल को रखना है, तभी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है, ये क्या है? आपका साइन नंबर 1 है, ये साइन 1 है, ये आपका साइन 2 है, ये भी याद रखिएगा. साइन 1 का मतलब जो x से पहले आया हुआ है उसे साइन 1 बोलेंगे, और जो कॉन्स्टेंट से पहले आया हुआ है उसे साइन 2 बोलेंगे. अब देखिए एक ट्रिक, साइंस को याद करेंगे पहले. प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, ये तो हो गए साइन 1 और साइन 2. ये साइन 1 है, ये साइन 2 है, साइन 1 साइन 2 ये है. ठीक है, अब यहां पे देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये है आपको याद करने हैं. इसको मैं सिखाऊंगी अभी अभी, आप केवल कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. इसको मैं सिखाऊंगी आपको कैसे करना है, ये भी बताऊंगी कि आप इसको याद कैसे करोगे. ये है रूट्स के साइन, ये है बड़ा वाला रूट, बड़ा रूट, और ये है छोटा रूट. ये क्या है? बड़ा रूट, ये है छोटा रूट. अभी आपसे मैं केवल इतना ही बोलूंगी, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लो. अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको एग्जाम में अप्लाई कैसे करेंगे और कैसे इस चीज को याद किया जाए, ये भी मैं सिखाऊंगी. पहले मैं चाहती हूँ आप लोग उसको अप्लाई करना सीख लीजिए. ठीक है, याद रखिएगा, साइन 1 हमेशा ये रहेगा, साइन 2 हमेशा ये रहेगा. ये जो पहले वाला आएगा वो हमेशा बड़े वाला रूट जो होगा वो होगा, और ये हमें छोटा वाला रूट वो होगा. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन से हम समझेंगे कि भाई मैं जो बोलना चाह रही हूं उसका आखिरकार मतलब क्या है. सवाल को देखते हैं. x² + x - 6 = 0. दूसरा है आपका, चलो इसको लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा और सवाल लेते हैं. x² - 7x + 10 = 0. फिर है आपका y² - 5y + 6 = 0. आपके सामने इक्वेशन है, आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, ये x है और ये y है. ठीक है, दोनों के रूट्स निकालने हैं. कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखना इन दोनों को, यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 10 कितना हो गया, 10 हो गया. अब आपको इस 10 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है जिससे कि आपका आंसर 7 आए. देखो क्या तोड़ सकते हो, 5 × 2 = 10 और 1 × 10. देखना 5 × 2 = 10, 1 × 10 मल्टीप्लाई करने पे ये आए या प्लस और माइनस करने पे ये आए? इतना दिमाग मत लगाइए. आप केवल ध्यान दीजिए ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ने कि उससे मल्टीप्लाई करने पे ये आए,
मल्टीप्लाई करने पे आ गए। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, इसका मतलब ये मुझे ध्यान दिए देना है जो टुकड़े किए उनको प्लस करने पर 7 ही आना चाहिए। 5 और 2 7 होता है, 10 और 11 होता है, तो ये तो गलत हो गया। रूट बचा क्या, रूट क्या है हमारा पास 5 और 2, ये रूट आ गया। अब देखो माइनस प्लस, माइनस प्लस कहाँ पे है, माइनस प्लस ये रहा। रूट्स क्या बनेंगे, एक माइनस और एक प्लस, कैसे बनेंगे, एक माइनस और एक प्लस, ये वाला बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, लो रूट बन गए सिंपल। सेम इसमें अब देखिए 1 × 6 कितना हो गया, 6 हो गया। टुकड़ों में देखिए एक बनेगा 3 × 2, जो हमेशा याद रखिए जो बड़ी वैल्यू उसको इधर लिखिए छोटी को इधर लिखिए, 3 × 2 = 6 हो गया, 6 × 1 = 6 हो गया। इधर प्लस है, दोनों को प्लस करने पे 5 बनना चाहिए, 3 और 2 5 होता है, 6 और 1 7 होता है, ये गलत हो गया, ये वाला सही है। रूट क्या बने मेरे, 3 और 2 बने। अब क्या है माइनस प्लस, माइनस प्लस मतलब माइनस प्लस ही रूट बनेगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस। आई बात समझ में, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि रूट कैसे निकाले हैं। एक और क्वेश्चन देखती हूं मैं, आप बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 = 0, दूसरा है 4y² प्लस का 13y प्लस का 3 = 0। अगला रूट आपका ये रहा, अगला रूट आपका ये रहा, निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये रहा 6 और इधर है 1, 1 × 6 कितना हो गया, 6 हो गया। रूट्स निकालिए, एक है आपका 3 × 2 = 6, एक है आपका 6 × 1 = 6। अब देखिए यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो क्या करना है, इन दोनों को माइनस करने के बाद यहां 1 आना चाहिए, 3 और 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 और 1 को माइनस करेंगे 5 आएगा, ये वाला सही है। रूट्स क्या हुए मेरे, 3 और 2 हुए। इधर प्लस है इधर माइनस, प्लस और माइनस दोनों प्लस प्लस आएंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस। इसमें देखिए 4 × 3, 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 के रूट्स बनाइए, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12। देखो 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12 और 12 × 1 = 12, इतने बने 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 12। अब यहाँ पे प्लस है मतलब दो दोनों को प्लस करने के बाद 13 बनना चाहिए, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 12 और 1 13, मतलब ये वाला सही होगा, ये दोनों गलत। तो एक रूट हो गया 12, एक रूट हो गया 1। पर यहाँ पे एक दिक्कत और है, हर जगह यहाँ पे क्या था, 1 था आगे, तो मैं कोई दिक्कत नहीं हुई, हर जगह 1 था, यहाँ क्या हुआ आगे की साइड मेरा 4 आया हुआ है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड भी करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या देखेंगे, अब देखो प्लस 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 प्लस, रूट बनेगा माइनस माइनस, तो माइनस ये माइनस ये, तो 4 − 3 कॉमा माइनस का 1/4। मुझे लगता है कि अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा कुछ कुछ कि रूट्स कैसे निकाल रहे हैं। मकसद हमारा हमेशा क्या रहेगा, जो आखिरी की वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई कीजिए, यहां लिख दिया, फिर इसको ऐसे दो टुकड़ों में बांटे जिससे प्लस या माइनस के करने के बाद अब ये बने। अब मैंने सोचा कि यार इतना दिमाग क्यों लगाए प्लस या माइनस का, क्या करना है हमें क्या पता, हमें क्या पता क्या करना है, तो मैंने सीधा सा एक फंडा बता दिया, अगर इधर आपका प्लस है तो उन दोनों को प्लस करो केवल, अगर इधर आपका माइनस है तो इन दोनों केवल माइनस करिए। बात समझ में आ गई, आई थिंक मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आपको रूट्स को पॉइंट आउट कैसे करना है, अभी केवल ये सीखे रूट्स निकालने कैसे है, ठीक है, ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई। एक और देखते हैं, एक और दिखाती हूँ मैं आपको क्वेश्चन, पहले आप केवल प्रैक्टिस कीजिए रूट्स निकालने की, रूट्स निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का 12 प्लस का 35 = 0, 12x। एक और है आपका 3y² प्लस का 19y प्लस का 20 = 0, निकालिए आप, कोशिश आपको करनी है, सेम टू सेम तरीका वही है, 1 × 35 कितना हो जाएगा 35, टुकड़े कीजिए 7 × 5 = 35, 7 × 35 और तो मुझे दिमाग में आ भी नहीं रहा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्लस करने के बाद, इधर प्लस है तो प्लस करने के बाद 12 आ भी रहा है, बिल्कुल सही, 7 और 5, प्लस प्लस है, प्लस प्लस का मतलब रूट कैसे बनेंगे, माइनस माइनस, माइनस और माइनस, ठीक है। अब ये देखिए 3 × 20 कितना हो गया 60, कितना हो गया
60। अब क्या करना पड़ेगा हमें, 60 को दो पार्ट में डिवाइड करें, इससे कि आंसर आपका 19 आए। अब ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई कीजिए क्या होगा, 60 कैसे आएगा, 10 6 जा 60 आ गया, प्लस करने के बाद कितना आएगा, 16 आएगा, नहीं बात बनी, 15 4 60 आएगा, देखो 15 और प्लस 4 16 बन गया, ठीक है, ये सही है, ये वाला गलत हो गया। अब रूट क्या बने, 15 और 4, पर यहाँ दिक्कत और भी है, आगे 3 है, तो 3 से डिवाइड भी करेंगे, 3 से डिवाइड भी करेंगे, कर दिया हमने दोनों को डिवाइड। अब देखिए प्लस प्लस है, प्लस प्लस का मतलब माइनस माइनस, तो रूट आपके माइनस और माइनस बनेंगे, 315 तो रूट बनेगा माइनस का 5 कॉमा माइनस का 4/3। अब आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि रूट्स हम निकालते कैसे हैं, रूट्स हम निकालते कैसे हैं, अब आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब मुझे लगता है कोई भी रूट्स आप निकाल सकते हैं, पहली कंडीशन आपको चेक क्या करनी है, रूट्स जो इक्वेशन होगी हमेशा इसी फॉर्मेट में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 35y, मतलब इस टाइप की इक्वेशन में ही होगी हमेशा, ठीक है। फिर क्या ध्यान रखना है, ये आपका साइन नंबर 1 होगा, ये आपका साइन नंबर 2 होगा, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, साइन 1 ये होगा, साइन 2 ये होगा। तीसरी बात याद क्या रखनी है, जो बड़ा वाला साइन होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है उस वो उसका साइन ये होता है, जो छोटी वैल्यू होती है उसका साइन ये होता है, बड़ी वैल्यू का साइन ये होगा, छोटी वैल्यू का साइन ये हो गया। अगली बात क्या याद रखनी है, जब भी आप रूट्स निकालेंगे आखिरी के मतलब फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया फिर इसको ऐसे दो टुकड़ों में बांटेंगे और कि उनका प्लस या माइनस करने के बाद बीच वाला बने, इनको प्लस या माइनस करने के बाद बीच वाला बने। अब हमें पता क्या चलेगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है, इस वाले साइन से, अगर यहाँ प्लस है तो हमें इन दोनों को प्लस करना है, अगर यहाँ माइनस है तो हमें इन दोनों को माइनस करना है। एक सिंपल सी बात है, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी। तो आज का आपका टारगेट क्या होगा कि आपको जितना हो सके उतने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने हैं और केवल रूट्स निकालने हैं, सिर्फ रूट्स पे फोकस करना है, क्योंकि अगली क्लास में आपको सिखाऊंगी कि इन रूट्स को बिना कोई गलती किए इतना काम भी आप कर लेंगे, पर गलती करोगे किस में, प्लॉटिंग करने में, आप इसको लाइन पे नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर पाओगे। तो अगली क्लास में आपको यही सिखाऊंगी कि इतना करने के बाद भी जो बच्चे गलती करते वो कहाँ करते हैं, उसके बाद हम नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे करेंगे सटीक तरीके से, बिना कोई दिक्कत के हम कैसे प्लॉट कर पाएंगे। आई बात समझ रहे हैं, तो आज का होमवर्क क्या है, आपको इस 5 नंबर को पकड़ लेना, इतने प्रैक्टिस कीजिएगा आज कम से कम, कहीं से भी किताब उठाइए, कोई भी किताब उठाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए, चाहे छोटे बच्चे की किताब ले लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए आप लोग और उसके सभी के रूट्स निकालने की प्रैक्टिस कीजिए इसी मेथड से। अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं, इसको याद कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, हटाई थी मैं इसको, याद कैसे करते हैं, पहले लिखो प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस ये लिख लो पहले, तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस लिख लिया। अब क्या करेंगे देखना, यहां क्या आएगा, इस वाले का जस्ट उल्टा, जो ये है उसका उल्टा, माइनस प्लस उसका जस्ट उल्टा, ठीक है, इधर क्या आएगा, इसका जस्ट उल्टा आएगा। अब क्या आएगा यहां पे, क्या आएगा इसको ध्यान दिमाग में रखने वाली है, जब भी यहां पे प्लस प्लस होगा, जब भी इधर पहले वाले पे प्लस प्लस होगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा माइनस प्लस, और जब भी यह माइनस माइनस होगा तो जो ये लिखा है वो ही रह जाएगा प्लस और माइनस, सिंपल। आई बात समझ में, यहां क्या हुआ, इसका जस्ट उल्टा हो गया माइनस प्लस, यहां पे क्या होगा कि इधर क्या है प्लस, तो जो ये है वहीं पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर माइनस माइनस है तो इधर जो है वो यहाँ पे रह जाएगा। क्लियर हुआ बात, प्लस वाले में इसका उल्टा होता है, माइनस वाले में वो सेम रह जाते हैं, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे अच्छा तरीका मतलब क्या है, आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा, जब आपको आंसर शीट मिलती है एग्जाम में देने के लिए, आपके पास 45 मिनट्स का टाइमिंग होता है, तो आप क्या करें बताए, इसको सबसे जब आप नेम रोल नंबर लिखते हैं ना, वहीं पे बगल में टेबल बना, छोटी सी टेबल बना लीजिए और पहले लिख लीजिए, इससे कि बाद में भड़क ही खत्म हो जाए, बाद में आपकी भड़क ही खत्म हो जाए कि लिखना क्या है और क्या नहीं लिखना, तो शुरुआत में ही आप इसको छोटी टेबल बना लेंगे, तो जब आप सॉल्व करोगे टेबल सामने लिखना और सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना केवल, ये बात ध्यान रखिए, ये भी मैं ही करती थी, आप भी यही करेंगे,
ज्यादा दिमाग में भड़कने की जरूरत नहीं है, इस टेबल को सीधा छाप दीजिए, शुरुआत में कॉपी पे लिख दिया करो, शुरुआत में लिख दिया करो, फिर जब भी क्वेश्चन आए टेबल देखी और आंसर निकाला, सिंपल, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। तो क्लास को ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसको प्लॉट कैसे करते हैं। आज का काम क्या है आपका, इसको इतना ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय। अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से मैं आपके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगी सटीक तरीके से, बिना कोई डिस्टरबेंस के और एकदम टू द पॉइंट लेवल पे, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल आपको बेस्ट से बेस्ट लेवल मिलेगा आपको क्वेश्चन का भी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, वापस से मिलेंगे आपको अगले सेशन में, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा, टेक केयर, बाय बाय।